नीट का रिजल्ट आया है जिसमें लाखों बच्चों ने भाग लिया। बता दें कि देश में कुल 1 लाख MBBS की सीट है, लेकिन जिन छात्रों का नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, विदेश जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और जब यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ जिसमें MBBS के भारतीय छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई थी, इसी को लेकर हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने हरियाणा के एकमात्र ऑथराइज कैरियर काउंसलर डॉक्टर कामनी आश्री से खास बातचीत की। रिजल्ट घोषित हो चुका है और अपने भविष्य को लेकर बच्चे आगे क्या करेंगे, कहाँ वो पढ़ने जाएंगे, डॉक्टर बनने के कैसे कौन से देश में पढ़ाई करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर कामनी आश्री है जो स्पेशली काउंसलिंग है। मैम क्या कहना चाहेंगे, जो अभी नेट का रिजल्ट आया है तो जब बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए कहाँ जाए? नीट का रिजल्ट आ चुका है, ये बात सभी को पता है। बहुत सारे बच्चों ने इस बार अच्छे मार्क्स लिए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए हैं, कुछ बच्चों ने उम्मीद से कम मार्क्स भी आए हैं कुछ बच्चों के, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि निराश ना हो और आप लोगों के पास और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है अदर फील्ड में, अदर कोर्स में। और मैं ये भी जानती हूँ कि इंडिया में लिमिटेड सीट्स होने के कारण बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं MBBS अब्रॉड से रिलेटेड। और करीबन करीबन 1 लाख के करीब इंडिया में सीट्स हैं MBBS की, जिन बच्चों का रैंक अच्छा आया है नीट में उनको आराम से एडमिशन मिल सकता है, जो बच्चा 600+। तो मैम जैसे आपने अभी बताया जो स्कूल कट बच्चे हैं उनके लिए क्या हो? वो भी ले सकते हैं, वो सभी के लिए है, जो अब्रॉड का है ये सभी के लिए है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो चाहे वो एसएससी हो, उन सभी तमाम उन सभी भारतीय छात्रों के लिए है जिनका नीट क्वालिफाई है। जो बच्चा नीट क्वालिफाई कर चुका है यानी जनरल कैटेगरी 117 नंबर और एसईबीसी ओबीसी के लिए 107 नंबर, ये क्राइटेरिया है। इन दोनों कैटेगरी से अगर हम बात करें, अगर बच्चा है तो वो 117 और 107 की कैटेगरी में, तो उसके बेस पे अगर आपको क्वालिफाई है नीट का एग्जाम तो आप एडमिशन ले सकते हैं वर्ल्ड की किसी भी कंट्री। बिल्कुल वर्ल्ड की किसी भी कोई ले सकते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब का साथ कहना है कि नेपाल की बात की जाए या कजाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ भी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया जा सकता है। अपने से राजीव के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा। जी।